तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बात कर रहे हैं कस्टम फॉर्मेटिंग। जी हाँ, कस्टम फॉर्मेटिंग का आज का हमारा टॉपिक है। और कस्टम फॉर्मेटिंग में हम बात करेंगे आपके साथ कि किस तरीके से हम कस्टम फॉर्मेटिंग को अप्लाई करते हैं। तो आज हम फॉलो करेंगे माइक्रोसॉफ्ट के एक आर्टिकल को, जो कि सुरेंद्र जी और सुनील जी मैंने आपको पढ़ने के लिए दिया था, उसी आर्टिकल को हम आज आपके साथ फॉलो करेंगे। तो चलिए, मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन आपको दे रहा हूँ और स्टार्ट करते हैं आज की सेशन। तो यहां आप देख रहे हैं लिंक, इसमें सबसे पहले यहां देखिए पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो और टेक्स दिया हुआ है। तो है क्या, चलिए इसके बारे में सबसे पहले डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमने बताया था आपको लास्ट क्लासेज में कि अगर आपने कोई नंबर लिखा है, आप नंबर के आगे पीछे कोई टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ ऐड करना चाहता हूँ MRP 1500 शो करना चाहता, तो मैंने यहाँ पे MRP 1500 को टाइप कर दिया। तो टाइप करने से दिक्कत क्या हुआ कि इस पे मैं अगर +20 ऐसे करूँ तो कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तो किसी भी नंबर के साथ अगर आप टेक्स्ट जोड़ देते हैं, नंबर के साथ अगर आप टेक्स्ट जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, टेक्स्ट हो जाता है, वो टेक्स्ट हो जाता है और उस पर आप किसी भी तरह की कैलकुलेशन नहीं कर सकते। सो मुझे दिखाना तो 1500 ही है नेक्स्ट MRP के साथ। तो हमने यहाँ पे कस्टम पे आया और हमने बताया था आपको कि मैं यहाँ इन्वर्टेड कॉमा में MRP लिख दूंगा और उसके बाद हैश दे दूंगा, तो ये आपका 1500 दिखेगा। ओके, लेकिन इसी में एक चीज है कि अगर मैंने बोला कि अगर हैश ना दूं मैं तो क्या होगा, सिर्फ MRP होगा। तो इसी में क्या है कि अगर मान लीजिएगा मैं माइनस अगर 600 कर दिया तो यहाँ पे आपको माइनस MRP हो गया, या फिर अगर इसके सामने आगे मैं अगर हैश या जीरो दे भी दिया तो माइनस MRP 600 दिखेगा। अब यहीं पे मुझे चेंज करना है, मैं चाहता हूं कि अगर मैं प्लस में लिखू तो MRP शो हो, माइनस में लिखू तो डिस्काउंट शो। ओके, तो यहां हम क्या करेंगे, तो ये जो आप देख रहे हैं आर्टिकल में कि पॉजिटिव एंड निगेटिव, तो अगर मैं सेमी कॉलन दिया और सेमी कॉलन के साथ मैंने यहां पे इन्वर्टेड कमांड में डिस्काउंट दे दिया, तो माइनस वाले पोजीशन पे डिस्काउंट शो हो जाएगा। यस सर, समझे सर? तो यही चीज यहाँ पर कि अगर यहाँ पे जैसे पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो एंड टेक्स, मतलब कि अगर आपने यहाँ पे दिया पहला पोजीशन में जो होता है पॉजिटिव का, दूसरा पोजीशन होता है निगेटिव का, और तीसरा पोजीशन जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे कर दिया फ्री, फ्री किसका हो गया, जीरो का। ओके, तो अब क्या होगा कि अगर मैं यहां पे जीरो लिखा तो थ्री शो करेगा और इसके आगे टेक्स्ट यहां पे। तो जैसे कि अगर मान लीजिए कि कुछ टेक्स्ट होता है तो उसका हम यहां दे देंगे डेटा नॉट फॉर्म, तो यहां पर कोई टेक्स्ट लिखा तो DNS शो होगा, टेक्स्ट शो नहीं होगा। अगर टेक्स्ट शो करवाना चाहते हो इसके आगे आपको @ लगाना। अब इसका बेनिफिट क्या है, तो चलिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, छोटा सा एग्जांपल।
यहाँ पे मैं नेम देता हूं, यहाँ पे डेट दे दिया। तो मान लीजिए मेरा बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम, तो यस आपके पास एक्सेस कार्ड होता है ना, एक्सेस कार्ड का रिकॉर्ड। अब इसमें जीरो है, इसका मतलब कि उस दिन उसका एक्सेस कार्ड पंच एक बार भी नहीं हुआ। देखिए डूर ओपन, दरवाजा ओपन करने के लिए एक्सेस कार्ड यूज किया जाता है। तो यहां आप देखें कि अगर उसने अगर जीरो यूज किया है, इसका मतलब कि उसने एक्सेस कार्ड को एक बार भी यूज नहीं किया, उसने नहीं आया। तो मुझे यहीं पे शो करना है कि जो नंबर्स है वो हो जाए पी बताइए प्रेजेंट, और जो जीरो है वो हो जाए अब्सेंट। तो कस्टम में हम यहां आएंगे, इन्वर्टेड कॉमा में पी लिखते हैं। हमने क्या किया, इन्वर्टेड कॉमा में पी को लिखा, राइट। क्योंकि जो पॉजिटिव नंबर है सबको पी बना देगा, फिर सेमी कॉलन दिया, और निगेटिव नंबर के लिए, अब निगेटिव नंबर तो कुछ है नहीं, तो इसको ब्लैंक छोड़ देता हूं। उसके बाद फिर ए देता हूं अब्सेंट के लिए। तो पहला पोजीशन किसका है, पॉजिटिव का, दूसरा पोजीशन क्या है निगेटिव का, तीसरा पोजीशन क्या है जीरो का, और चौथा टेक्स्ट का, टेक्स्ट जीरो थी तो छोड़ दिया। तो इस तरह की चीजों पर हम काम करते हैं। तो सुनील जी और सुंदर जी, समझ में आ गया आपको ये? रिकॉर्डिंग है ना, परमिशन मेरी यहाँ पर आ नहीं रही है। यस सर, क्लियर। अब इसी में ना कलर भी करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो अब्सेंट है ना वो रेड हो जाए। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, इसमें कलर आपने देखा तो नेगेटिव से पहले मैं स्क्वायर ब्रैकेट में आर ए डी रेड कर दिया। आई नो, तो कलर क्या दे सकते हैं, सुरेंद्र जी, सुनील जी, समझ में आ गया आपका ऑप्शन? हाँ जी, हाँ जी सर, क्लियर है। तो एक कलर का भी ऑप्शन है, कलर भी दे सकते हैं। उसके बाद इतने सारे आप देख रहे हैं ना, इतने सारे जो स्पेशल करेक्टर है इसको इन्वर्टेड कॉमा में देने की जरूरत नहीं। और एट द रेट जो होता है, जैसे हैश और जीरो नंबर के लिए होता है, एट द रेट होता है टेक्स्ट के लिए। चलिए उसके भी एग्जांपल देता हूं। जैसे मैं यहाँ पे कंपनी का नेम लिखना चाहता हूं, बट क्या है कि मुझे एम स्लैश एस देके फिर यहाँ पे आईपीसी लिखना पड़ता है। ऐसा मैं नहीं चाहता, एम स्लैश एस ना करना पड़े। तो यहां पे हम जाते हैं इन्वर्टेड कॉमा में एम स्लैश एस, उसके बाद हम यहां पे एड द रेट, एम स्लैश एस और एड द रेट। अब यहां पे आई पी टी ऐसे एड्रेस है हमारा, एड्रेस का लास्ट जो है सिटी पिन कोड एरिया एक ही है, तो मैं यहां पे एड द रेट लिख दिया और यहां पे लिख देता हूं न्यू दिल्ली 11062। अब यहां पे जैसे मैं यहां पे दिया F101 एंटर मारते हैं तो न्यू दिल्ली 11062 आ जाएगा।
राइट। उसी तरीके से जैसे मैं यहां पे मान लो अमाउंट हम लिख देते हैं यहां, और मैं जानना चाहता हूं कि जो आगे का जो है वो स्टार्ट की फिल हो जाए, तो इसके हमने दिया कस्टम और यहां पे हम लिख देते हैं एट द रेट स्टार एंड स्टॉप। फिल हो गया सर, जैसे जैसे कॉलम भरा होगा उस तरह से फिल होगा। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक डेटाबेस हम लोग कर रहे हैं आईडी और यहाँ पे पासवर्ड, मैं चाहता हूं कि पासवर्ड किसी को दिखे नहीं, तो आपको कुछ नहीं करना, इस पे जाइए कस्टम पे और सिर्फ दो स्टार को टाइप कर। अब जैसे कि मैंने आईडी लिख दिया एडमिन और यहाँ पे पासवर्ड दे देता, तो पासवर्ड डालते ही वो स्टार 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 में, एक्चुअल में तो रहेगा 1 2 3 6, लेकिन यहाँ पे विजुअल स्टार 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 हो जाएगा। क्लियर है सर आपको? डाउट नहीं है? नहीं सर, क्लियर है। सर आपने जो एड्रेस में पीछे से प्रिंटेबल नहीं होगा ना, अगर प्रिंटेबल करना हो तो क्या क्या करेंगे? प्रिंट होगा सर, तो हो रहा है, अच्छा ये हो जाएगा, ठीक है ठीक है ठीक। चलिए, तो आर्टिकल में ए एट द रेट का ऑप्शन था, ठीक है, और जियो एड आप समझते ही है। तो ये यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, जैसे कि अगर मैं इस कोड पे यूज किया तो इससे ही हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा। बाकी तस्वीर तो मैंने बताई थी आपको, हमने आपको कॉमा सेपरेटर ही बताई दिया था सर। उसके बाद एक कलर, जैसा मैंने बताया आपको कलर देने के लिए, तो कलर में आप ब्लैक, ग्रीन, व्हाइट, ब्लू, मजेंटा, येलो, शान और रेड, ये कलर दे सकते हैं, इसके अलावा कोई और कलर नहीं दे सकते। अब यहाँ पे कंडीशनल कलर भी दे सकते हैं, इसे देखिए, मैं चाहता हूं कि 100 से ऊपर वाला रेड हो जाए, 100 से नीचे वाला ब्लू हो जाए, तो यहाँ पे हम अपना कस्टम में कंडीशन दे सकते हैं इस तरह से कि पहले कलर देन कंडीशन सेमीकॉलन कलर एंड कंडीशन। देखिए जो कलर होगा वो सिर्फ टेक्स्ट कलर होगा, जैसे मैंने 150 किया तो ब्लू हो गया, अगर मैं 60 करूंगा तो रेड हो जाएगा क्योंकि 100 से नीचे। लेकिन इसमें भी माइक्रोसॉफ्ट ने बताया हुआ है कि इसमें जो है आपको और भी ज्यादा चाहिए सेटिंग कलर और भी चीज चाहिए, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम अप्लाई करेंगे, जो कि हमारी अगली क्लास की टॉपिक है कंडीशनल फॉर्मेट। अब इसे इससे बहुत सारे सैम्बल्स है उसको टाइप कर, मान लीजिए आपको ये सैम्बल टाइप करना है तो आपको ऑल की के साथ नंबर कीबोर्ड को 0128 प्रेस करना होगा, जैसे कि यहां पर मैं कर रहा हूं ऑल्ट 0128 आ गया, शॉर्टकट दिया गया। उसके बाद हम बात करते हैं डेट। अब जैसे आप यहां पे कोई सिस्टम डेट डालते हैं, आज की डेट डाल देते हैं, तो आज का डेट जैसे मेरा फॉर्मेट है MMDDYY, तो 9/8 करेंट ईयर है, तो ये डालने की जरूरत नहीं। अब इसलिए डिफॉल्ट फॉर्मेट ले लिया, तो आपने देखा था, मैं बताया था आपको कि डेट में आपके पास बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं। डेट में आपके पास बहुत सारे फॉर्मेट है जिसका यूज आप कर सकते हैं, ओके। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि कभी कभी हमें अपना खुद का डेट देना होता है, तो कस्टम फॉर्मेटिंग में हम आते हैं, और कस्टम फॉर्मेटिंग में देखिए यहाँ पे डी जो होता है डेट का, यहाँ पे देखिए आपको दिखेगा क्या बोलते हैं प्रीव्यू लाइव, तो डी होता है डेट। अगर मैं डबल डी डाला तो हो जाएगा डेट में 0 1 2 का फॉर्मेट, जैसे 8 हो गया 0 8, 3 बार डालूंगा तो संडे मंडे शॉर्ट में आएगा, जैसे ट्यूजडे का TUE आ गया। अगर 4 से ज्यादा बार डालेंगे तो कंप्लीट ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे आएगा। उसके बाद उसी तरह से अगर हम बात करते हैं मंथ की, तो M डालते हैं तो 1 2 3 के फॉर्मेट में, डबल M डालते हैं तो ये आपका आ जाएगा
जीरो वन के फॉर्मेट में, और अगर तीन बार एम कर तीन बार एम करते हैं तो जाएगा मंथ जो है उस शॉर्ट में सितंबर का एसीपी आ गया जैन फायर इस तरह का। ओके, उसी तरह से यहाँ आपका दो बार लिख दीजिए तो आप इसको आपने जैसे जिस मर्जी फॉर्मेट में डालना है जैसे मर्जी डालना है वैसे डाल दो। जैसे आपने देखा ना हमने मैंने चार बार डी डाल दिया फिर एम डाला फिर हमने यहाँ पे डीडी डाल दिया। अगर चार बार एम करता हूं तो कंप्लीट मंथ आएगा सेप्टेम्बर। उस तरह की डेट की फॉर्मेट आप तैयार कर सकते जैसे कि आर्टिकल में बताया गया। ठीक है सर, सुनील जी एंड सुरेंद्र जी तो डाउट इसमें नहीं सर, क्लियर है। ठीक है, अब बात करें दूसरी तरह से टाइम। अगर आज का मुझे अपनी टाइम लिखना है तो 10:20 और 30 सेकेंड हम इस तरह से लिख देते हैं। और हमारे पास टाइम के भी बहुत सारे फॉर्मेट हैं, बट मुझे खुद के टाइम चाहिए तो कैसे होगा? तो इसमें ध्यान रखिएगा, ए होता है एच एच मतलब की आवर, एम एम मतलब की मिनट, एंड एस 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 ठीक है, एच एच एम एम एच एच। उसके बाद मुझे यहाँ ए एम स्लैश पी एम कर दूंगा तो यहां पे आ जाएगा। एंड ओके, लेकिन इसमें भी एक है, जैसे कि मान लीजिए मैंने 10:20 दिया, मुझे इसको मिनट में कन्वर्ट करना है। होता है ना टाइम, ऑफिस टाइम को मिनट में कन्वर्ट करके कैलकुलेशन करते हैं, तो मिनट में कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में एम को देते हैं। तो यहां देखिए आपके सामने आ गया, बट विजुअल है, कैलकुलेशन वगैरह इसमें नहीं होगा। मुझे चाहिए कि कैलकुलेशन भी हो सके तो हमने आपको बताया था कि हम टेक्स्ट फॉर्मूला अपनाएंगे टेक्स्ट, और इसमें हम बड़ी ब्रैकेट में एम डाल देते। आ गया 620। हेलो सर, यस सर। अब इसके ऊपर जो कैलकुलेशन कर रहा है, मान लीजिए मुझे एक मिनट का वन इक्वल टू मुझे 20 रुपीज मिल रहा है तो मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 20 कर। ओके, क्लियर है सर? इसका इस्तेमाल आप कर सकते। ठीक है सर, ठीक है, चलिए आगे बढ़े। यस सर, ये हमारी डेट की कैलकुलेशन है। तो आर्टिकल में यही बताया गया है डेट किसी टाइम की कैलकुलेशन। ठीक है, तो आर्टिकल की सारी चीजें मैंने आपके साथ कवर कर दी। अभी इसमें कुछ चीजें मैंने इग्नोर किया होगा तो एक बार देख लीजिएगा और तो मुझसे पूछ लीजिए। अब मुझे आप लोगों से क्या है, जिसने बताया था कि आज की क्लास 50-50 है, तो आप लोगों से मुझे क्या चाहिए, मुझे 10 कस्टम फॉर्मेटिंग के एग्जाम्पल दीजिए जिसको मैंने यूज ना किया। आप लोग रिसर्च कीजिए और रिसर्च करने के बाद 10 कस्टम फॉर्मेटिंग की एग्जाम्पल मुझे दीजिए।